हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 के लिए वीडियो नंबर 3 देखेंगे। और आप जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है और यह सीरीज तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे देते। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में क्या पूछा है वो समझते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए ना। इन्होंने पूछा है कि दूध से दही बनने में किससे किस पे बनने में, तो दूध से दही बनने में। अच्छा, दूध से दही, हाँ हाँ खाए हो ना सब दूध से दही। तो वही बोल रहा है दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है। बता रहा है कि जब दूध से दही बनता है तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है तब दूध से दही बनता है। ऑप्शन नंबर ए अपघटन। अच्छा सोचते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, इसको तो हो नहीं सकता। किण्वन सोचेंगे और उत्सर्जन नो, बचा दो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या होने वाला है। तो अपघटन तो होगा नहीं, तो होगा क्या किण्वन, यानी आज याद रखिएगा दूध से दही बनने में किण्वन नाम की एक अभिक्रिया होती है, किण्वन नाम की एक क्रिया होती है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या बोला है देखते हैं। 2 में इन्होंने ये बोला है लिटमस, एक लिटमस पत्र है और बिलियन बैगनी रंजक होता है। समझिएगा, लिटमस बिलियन जो होता है वो बैगनी रंजक होता है, ये बोला है इन्होंने। और क्या बोला है कि जो निम्न में किससे निकाला जाता है। फिर से, लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है। हमें बताना है कि जो लिटमस बिलियन बैगनी रंग का जो होता है, बैगनी रंजक जो होता है वो किससे निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, बी लाल पत्ता गोभी, सी नंबर हल्दी और डी नंबर पेटूनिया फूल। पेटूनिया फूल देखो मैं भी नहीं देखा, बट एक होता है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। हल्दी तो सभी लोग देखेंगे, लाल पत्ता गोभी भी देखें आप लोग, लाइकेन भी देखें आप लोग। तो कहने का सीधा सा मतलब है लिटमस बिलियन का रंग रंजक होता है जो लाइकेन से निकाला जाता है। किसे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है, याद रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 2013 में पूछा। कितना में पूछा, 2013 में पूछा। अगला देखते हैं, किसी कोलाइडी बिलियन में, कोलाइडी बिलियन क्या होता है आप सभी को ये बात पता है, मैंने बताया है। तो किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से, जो कण होते हैं उसमें निलंबित, तो निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। फिर से, किसी कोलाइडी बिलियन में जो निलंबित कण होते हैं, निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को एक नाम से जाना जाता है। और वो नाम क्या है मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला है वायुमंडलीय प्रभाव, तो ये तो नहीं होता है। किंडल प्रभाव बोला है, किंडल ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, किंडल तो ये नहीं हो सकता। फिर बोला है टिंडल प्रभाव, फिर बोला है कोई नहीं। तो मैं बता दूं दोस्त आपको कि जब हम कोलाइडी बिलियन में जो निलंबित कणों से जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो टिंडल प्रभाव है। क्या है, टिंडल प्रभाव, किंडल नहीं, क्या टिन 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 टिंडल। ओके, अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में निम्नांकित बिलियनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपका एग्जाम में भी, और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय बिलियन है या अधिक अम्लीय बिलियन है, अधिक क्षारीय बिलियन है। तो डिसाइड आपको करना है कि कौन ज़्यादा अम्लीय कौन ज़्यादा क्षारीय होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है pH इज इक्वल टू 1, सोचेंगे विचारेंगे फिर डिसाइड करेंगे। pH बराबर 5, pH बराबर 8, pH बराबर 10, तो इतना तो पता है। डू वो डिलीट, क्यों डिलीट, क्योंकि मान लो ये है अम्ल इधर से इधर होता है, अम्ल इधर से इधर नहीं होता है, तो इधर से कितना होता है 7, 8, 9, 10, 11, तो ये जो होता है 4 होता है, तो ये तो हो सकता है क्या, सोचिए आप, कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि 8 और 10 ये 4 के लिए होता है, अम्ल के लिए नहीं। बचा अब ये दोनों, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं यानी निम्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब घटते क्रम में जाते हैं, ऐसे नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। यानी अगर 5 और 1 दिया हो तो किसका अम्लीय प्रकृति ज़्यादा, तो आंसर 1 का। मैंने आपको ये बात पहले ही पढ़ाया है तो आप मार दिए होंगे। pH बराबर 1, यानी pH बराबर अगर 1 दिया गया है तो उसकी जो मतलब बोल दो क्या अम्लीय, मतलब जो क्षमता होगा वो अधिक अम्लीय होगा 5 की तुलना में। डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। PbOH NO3। ओके, तो ये क्या है मैं बता रहा हूं, समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय लेड नाइट्रेट,
है ना, चार ये लेड नाइट्रेट है ये हमारा, तो कह रहा है किस प्रकार का लवण है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय लवण, अम्लीय लवण तो दोस्त नहीं हो सकता है क्योंकि अगर अम्लीय लवण होता तो एच प्लस आयन होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, सामान्य लवण नहीं हो सकता क्योंकि मैंने लवण पढ़ाया है, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण, सामान्य लवण, मिश्रित लवण, चारों लवण का डिफिनेशन मैंने लिखवाया है, तो अम्लीय लवण के कैटेगरी में ये मैंने नहीं लिखवाया था और सामान्य लवण के कैटेगरी में भी मैंने नहीं लिखवाया था। हाँ, क्षारकीय लवण के कैटेगरी में मैंने इसको लिखवाया था, यानी यहाँ से याद रखिएगा PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है, तो क्षारकीय लवण है। तो अब ग्रहणी दूर नहीं है, ऑफलाइन क्लास करने आ जाओ, ऑनलाइन तो करते ही हैं आप लोग, ऑफलाइन भी करने आ जाइए क्योंकि हर एक चीज़ सिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भेजिए और ऑफलाइन पढ़ने के लिए। ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है और क्या बोल रहा है समझिएगा। 6 नंबर में इन्होंने बोला है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जल में घुलनशील भस्म को किस नाम से जाना जाता है, इन्होंने ये हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, क्षार, लवण और नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिया है इन्होंने, हमें चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। आपको मैंने बताया था कि जो मतलब जो कोई भी भस्म जल में घुल जाता है तो वह क्षार भी कहलाता है। मतलब जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। बहुत अच्छा, शानदार जवाब। नहीं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है, याद रहेगा ना, आप तो एक्सपर्ट हैं याद रखने में। ओके, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है ये बताना है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है ये हमें बताना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 7 से कम, नहीं 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 नहीं, ये तो अम्ल वर्षा हुआ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, 8.6 से अधिक ये अम्ल वर्षा हुआ, ये तो सही नहीं होगा। सबसे बड़ा गलती डी नंबर 10, ये कैसे दे दिया, 10 होगा, 10 नहीं होगा। अच्छा, सवाल है कि अब कौन होगा। हाँ, एक बचा है, कौन बचा है, 5.6 से कम, यानी याद रखिएगा अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, किसी किसी बुक में 5.6 भी दिया रहता है, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, यानी अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, याद रहेगा। और एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, समझिएगा, मैं ये कहने वाला हूँ दोस्त कि आप सभी को पता है कि 5 जनवरी को साइकिल टेस्ट होगा, क्योंकि मैं सोच रहा था किसी न तो किसी दिन ये अनाउंसमेंट करूं ताकि सभी लोग को पता चले। और हाँ, वो टेस्ट अगर चाहें तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, बट सबके लिए ऑनलाइन नहीं होगा, जो जो गढ़ानी में रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन नहीं, जो जैसे कि कोई दूसरे बोल सकते हैं कि गांव से देखते हैं जैसे, या दूसरे मतलब बोल सकते हैं कि जैसे मुजफ्फरपुर मतलब बिहार के ही हो बट दूर हो, ऐसे रोहतास जिला का है ना, या फिर बक्सर जिला का, कहीं दूसरे जिला के अगर हैं तो वो भी टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन। ओके, लेकिन मैं गढ़ाने वाले के लिए प्रायः बात करूंगा, उन लोगों के लिए नहीं, बट गढ़ाने वालों के लिए सभी सुन लीजिए, और जितने भी मतलब गढ़ाने वाले ही नहीं बल्कि जितना भी सुअरी गढ़ानी और जितने भी बालवान या फिर मतलब बहुत सारा, और कितना कितना नाम लूँ, बराब, भंगवा, ये अज्ञा, मतलब बहुत सगरी, मतलब सभी लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, 5 जनवरी को साइकिल टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं उस टेस्ट में मतलब उस टेस्ट में ज्वाइनिंग करना तो आप कर सकते हैं, बस ये काम करना होगा कि आ करके मेरे नंबर पर, मैं थोड़ी पीछे नंबर दिया हूँ, आप उस नंबर को लिख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मेरे पर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप नंबर पर, और मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल। अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं साइकिल टेस्ट में ज्वाइनिंग करना तो आपको एक काम करना होगा, बस एक दो फोटो, और सब कुछ बता दे रहा हूँ अभी ही क्योंकि लॉकडाउन के चलते प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ ना, सॉरी लॉकडाउन नहीं, ये इलेक्शन के चलते, ठीक है, इसलिए मैं अभी ही बोल देता हूँ कि आपको दो फोटो और मात्र 60 रुपया देना है, 60 रुपया। और जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो गए 60 रुपया लगेगा, ठीक है, 60 रुपीज़। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं क्या करूँगा कि साइकिल आपको दूंगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा।
मतलब ये टारगेट रखिएगा आप लोग कि कम से कम 120 स्टूडेंट्स करवा दें। अगर 120 स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एक साइकिल उनको दिया जाएगा, और एक को नहीं, टॉप 10, मतलब जो टॉप 10 करेंगे ना सबको साइकिल नहीं, है ना, टॉप मतलब जो पूरा टॉपर होगा उसको साइकिल, बाकी के जो टॉप बाकी के 9 बचे उनको कुछ कुछ दिया जाएगा, बट टॉपर को साइकिल दिया जाएगा। और एक लड़के से 60 रुपीज़ ले जाए मतलब लिया जाएगा, और 100 क्वेश्चन रहेगा। मतलब अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर आप चाहते हैं डिटेल जानकारी लेना तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा रहा व्हाट्सअप नंबर, आप फिर से लिख सकते हैं और मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है, और हाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है उसका भी, आप लोग जल्दी करिए, एकदम लेट मत करिए। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने क्या बोला देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है इन्होंने H3O+, ओके। बी नंबर में क्या बोला H3O-, ओके। सी नंबर में बोला है OH-, फिर डी नंबर में बोला है OH+। तो अब उम्मीद है कि ये नहीं मारेंगे, ये भी नहीं मारेंगे आप लोग, ना तो इसको मारेंगे, तो मारेंगे किसको, H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, याद से याद रखिएगा H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, याद रहेगा आगे। अब इसका तो ट्रिक है मैंने बताया था कि नहीं बताया था, देखिएगा क्या ट्रिक बताया था, फिर से रिपीट करूंगा। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, मान लीजिए एक बिलियन है और वह बिलियन क्या करता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो पीएच मान होगा, तो पीएच मान क्या होगा ये हमें बताना है। फिर से, कोई बिलियन लाल लिटमस को क्या कर देता है सर, नीला कर देता है, तो बताना है कि पीएच मान क्या होगा, समझिए। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1, 4, 5 और 10, तो मैंने क्या बताया था, जो ज्यादा देगा वही आंसर होगा, कितना ज्यादा है 10 सबसे ज्यादा, अब ये नहीं बताया था कि सबसे ज्यादा, मैंने बोला था कि मान लो 7 एक मिड पॉइंट देगा, उस 7 से अगर जितने भी नंबर है अगर कम केवल हैं और एक 7 से ज्यादा वाला है तो पक्का ज्यादा वाला ही होगा, ये ट्रिक बताया था ना, अब हर बार ये लागू होगा, इतना इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में पीएच का कौन सा मान क्षारक बिलियन का मान देता है, यानी क्षारीय बिलियन का मान देता है, इस बात को हमें बताना है। ओके बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए में बोला 2, 7, 6, 13, तो देखिए 7 का मैटर है, 7 तो है ही है, बाकी के जितने भी वैल्यूआ हैं उस 7 से छोटा, 7 से कितना है छोटा है, तो सब 7 से जब सब छोटा है तो ये गुना तो ये को बड़ा होगा, वो बड़ा कौन, तो वो बड़ा है 13, यानी 13 एक ऐसा वैल्यू है जो क्षारीय बिलियन को दर्शाता है। वैसे भी आपको मैं डिटेल में अगर बताऊं तो इस तरफ 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है, तो 7 से ज़्यादा कौन है 13 है, ट्रिक याद रखिएगा हमेशा काम आएगा। ओके ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके 11 नंबर में क्या बोला, करें निम्नलिखित में से कौन मतलब किसमें रावा जल नहीं होता है, रावा जल मतलब आप समझते हैं, शॉर्टकट में मैं बताऊं तो उसमें जल नहीं रहना चाहिए, उस नाम मतलब उसका नाम बताना है इसमें से कि कौन है जिसमें जल की मात्रा तनिक भी नहीं पाया जाता, तो नीला थोथा तुतिया, तो बताया था कि पाया जाता है, 5 को पाया जाता है। अच्छा फिर आगे देखते हैं, जिप्सन में भी पाया जाता है, मैंने बताया नहीं है बट आपको पता होगा, मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा उसको जरूर। अच्छा धोने वाला सोडा में इसमें तो बहुत होता है, 10 को होता है, जब 10 होता है तो ये तो पक्का गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बचा कौन, बेकिंग सोडा, मैंने आपको सूत्र क्या पढ़ाया था, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वह एक ऐसा यौगिक है, वह एक ऐसा लवण है जिसमें रावा जल नहीं होते हैं, तो फटाफट तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखते हैं। ओके तो उम्मीद आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और 2 वीडियो लगेगा इसका, और फिर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करके हिंदी या मैथ्स जो भी आप लोग कहेंगे वो कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि हिंदी अब की बार अपलोड किया जाए
कि मैथ्स किया जाए कि एसएसटी किया जाए। फटाफट तीनों में से जितना जिसका ज़्यादा कमेंट होगा वही मैं नेक्स्ट वीडियो से अपलोड करना शुरू करूँगा इसको ख़त्म कर लेने के बाद। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव हमेशा मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।